चलिए बढ़ते खबरों में आ गए। सीएम अशोक गहलोत ने जोधपुर में कांग्रेस संभाग स्तरीय सम्मेलन को संबोधित किया, जिसमें भारी संख्या में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। इसी दौरान सीएम ने प्रभारी रंधावा का स्वागत किया और कहा कि सांचौर जिले के भी लोग आए हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि फलौदी और बालोतरा जिले के भी लोग आए हैं। वहीं उन्होंने विपक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि ऐसा ही माहौल था जब इंदिरा गांधी को प्रताड़ित किया जा रहा था और आज राहुल गांधी के साथ वैसा ही हो रहा है। इसी के साथ महंगाई और बेरोजगारी पर कहा कि महंगाई और बेरोजगारी को राहुल ने खरा खरा संदेश दिया है और केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या की है। सीएम अशोक गहलोत ने बड़ा बयान दिया है, जिसमें सीएम ने डॉक्टर्स से हड़ताल खत्म करने की अपील की है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ईश्वर का रूप होते हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने राइट टू हेल्थ पर कहा कि राइट टू हेल्थ कानून जनता के हित में है और ये कानून काफी अच्छा है। इसी के साथ राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने पर उन्होंने कहा कि सदस्यता खत्म करना गलत है। भारत में लोकतंत्र कांग्रेस की देन है और कांग्रेस ने 70 सालों से लोकतंत्र को जिंदा रखा है। वहीं ये भी कहा कि अभी हम लोकतंत्र की लड़ाई लड़ रहे हैं। संजीवनी घोटाले के 2 लाख से लोग पीड़ित हैं। अमीर गरीबी खाई नहीं बननी चाहिए, खाई बढ़ती जा रही है। अभी राहुल जी जो कहा है कि भाई अडानी जी का जो 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आया वो कहाँ से आया, या 3 करोड़ रुपए से वो जो आम पार्टी का जो मंत्री है जैन, वो 3 करोड़ के आरोप में तो जेल में बैठा हुआ 1.5 साल से, और आप कुछ नहीं जवाब नहीं देते। प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसका जवाब देना बनता है उनका। लोकतंत्र में जरूरी जवाब देना जरूरी होता है, दिया नहीं। राहुल जी पे जो आरोप लगाए गए लंदन में क्या बोल के आ गए, उसका जवाब देना चाहते थे। जब कोई आरोप लगता है तो अधिकार बन जाता है मेंबर पार्लियामेंट का, मैं वापस जवाब दूंगा। वो आपने अलाउ नहीं किया और षड्यंत्र करके आपने उनको निष्कासित कर दिया पार्लियामेंट से। तो ये मैं समझता हूँ पूरे देश में आक्रोश है, इनको गलतफहमी है जो इनके ये जो अहम गवर्नमेंट में चल रहे हैं ना, मोदी जी और अमित शाह जी, वो काम नहीं आएगा। जनता ऐसा झटका देगी इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमारा जो अभियान शुरू हुआ है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जगह जगह मीटिंग रखवा दी है, हमारे रंधा साहब भी साथ चल रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं, जाके जगह जगह बता रहे हैं किस प्रकार की हरकतें इन्होंने करी है। हर कार्यकर्ताओं को हम आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग मजबूत रहो। और इंदिरा गांधी जी के साथ में जब अन्याय किया था तो पूरे राजस्थान में जो माहौल बना पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम भुगत लिया जनता पार्टी सरकार थी उस वक्त में। अब जो ये जिस पर हरकत की है राहुल जी के साथ में, मकान खाली करवा दिया, कोई बात उन्होंने कहा मैं कर दूँगा। और अभी अभी कहा अध्यक्ष जी ने कि जिस जज साहब ने फैसला दिया था उसका प्रमोशन हो गया है, अभी अभी खबर आई है, पता नहीं सही है गलत है, आप क्या कर लीजिए। तो क्या हो रहा है देश के अंदर? तो प्रदेशवासियों को देशवासियों सोचना ही पड़ेगा। देश में लोकतंत्र बचाना है क्योंकि जनता माई बाप है। ये कांग्रेस का दिया हुआ लोकतंत्र देश में, गांधी जी के वक्त में, पंडित नेहरू के वक्त में, सरदार पटेल के वक्त में, मौलाना आज़ाद के वक्त में और अम्बेडकर साहब के संविधान से आज भी रक्षा हुई है 70 साल तक। अब ये देखिए क्या हो रहा है, ये चिंता होनी चाहिए सबको, प्रदेशवासियों की चिंता होनी चाहिए। संजीवनी के मामले में देखिए वो इतने घबरा गए हैं मंत्री जी, क्योंकि सीधा आरोप लगा हुए हैं, उनके परिवार वालों पे आरोप लगाए हैं, उन पे आरोप मैंने लगाया। अब मेरे खिलाफ में डीपी में केस कर रहा है तो मैंने स्वागत किया उसका भी। इसी माने इन गरीबों को 2 लाख लोग हैं परिवार, 2 लाख लगभग परिवार है राजस्थान में। करना चाहूँगा कि इनका पूरा सम्मान है, सरकार पूरा सहयोग करना चाहती है, इस तरह इनको ख़त्म करना चाहिए क्योंकि पब्लिक को तकलीफ होती है। डॉक्टर को तो लोग ईश्वर मानते हैं और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI RTE फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया और नरेगा बनाया, मान नरेगा, उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलतफहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर, उसके बाद में बिल पेश हुआ है।
गरीबी खाई नहीं बढ़नी चाहिए, खाई बढ़ती जा रही है। अभी राहुल जी जो कहा है कि भाई अडानी जी का जो 20,000 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट आया वो कहाँ से आया, या 3 करोड़ रुपए से वो जो आप पार्टी का जो मंत्री है जैन, वो 3 करोड़ के आरोप में तो जेल में बैठा हुआ 1.5 साल से, और कुछ नहीं जवाब नहीं दे रहे प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री जी को, जो राहुल गांधी जी ने सवाल उठाए थे पार्लियामेंट के अंदर, उसका जवाब देना बनता है उनका। लोकतंत्र में जरूरी जवाब देना जरूरी होता है, दिया नहीं। राहुल जी पर जो आरोप लगाए गए लंदन में क्या बोल के आ गए, उसका जवाब वो देना चाहते थे। जब कोई आरोप लगता है तो अधिकार बन जाता है मेंबर पार्लियामेंट का, मैं वापस जवाब दूंगा, वो आपने अलाउ नहीं किया और षड्यंत्र करके आपने उनको निष्कासित कर दिया पार्लियामेंट से। ये जो अहम गवर्नमेंट चल रहे हैं ना मोदी जी और अमित शाह जी, वो काम नहीं आएगा, जनता ऐसा झटका देगी इनको मालूम ही नहीं पड़ेगा। हमारा जो अभियान शुरू हुआ है, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जी ने जगह जगह मीटिंग रखवा दी है, हमारे रंधा साहब भी साथ चल रहे हैं, हम तीनों जा रहे हैं, जाके जगह जगह बता रहे हैं किस प्रकार की हरकतें इन्होंने करी है। हर कार्यकर्ताओं को हम आह्वान कर रहे हैं कि आप लोग मजबूत रहो, और इंदिरा गांधी जी के साथ में जब अन्याय किया था तो पूरे राजस्थान में जो माहौल बना पूरे देश के अंदर, उसका परिणाम भुगत लिया जनता पार्टी सरकार थी उस वक्त में। अब जो ये जिस पर हरकत की है राहुल जी के साथ में, मकान खाली करवा दिया, डॉक्टर को लोग ईश्वर मानते हैं, और ये एक्ट जो बना है ये पब्लिक इंटरेस्ट में है। जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, सोनिया गांधी जी ने RTI RTE फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया और नरेगा बनाया, मान नरेगा, उसी स्टाइल से हम चाहते हैं कि राइट टू हेल्थ, मतलब सबको हेल्थ का अधिकार मिल जाए हमेशा के लिए। इनका तो प्रोविजन जो है, इनको गलतफहमी जो हुई थी हमने दूर कर दी। डॉक्टर से बात करने के बाद में जो उन्होंने सुझाव दिए वो तमाम सुझाव हमने इंक्लूड किए बिल के अंदर, उसके बाद में बिल पेश हुआ है। उसके बाद में पता नहीं क्या गलतफहमी हुई है, अनावश्यक गलतफहमी हो रही है, क्योंकि कोई झूठ नहीं है। अभी सरकार के दरवाजे खुले हैं, कोई अगर वो गलतफहमी दूर कर देंगे हम लोग, हम चाहेंगे कि प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर सब मिलकर के सेवा करें राजस्थान का।